ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार के सब लोग पूरी तरीके से जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न किस बात का मना रहे हैं ये जनता नहीं समझ पा रही है। जनता ये जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कौन से काम किए हैं जिन कामों से जनता का और जनता के बीच में उनके लिए कुछ काम हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किन फैसलों से भारत की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर खुशहाली आई हो। आज जब 4 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो गए हैं, अपना काम सरकार नहीं गिना पा रही है, अभी भी पुरानी सरकार के काम गिना रही है, पुरानी सरकार के शुरू हुए कामों को भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी और जनता ये जानना चाहती है कि कहां पर 4 और 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। जनता जानना चाहती है कौन सी नई मेट्रो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। जनता और नौजवान ये जानना चाहते हैं कि कौन से नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के किसान जानना चाहते हैं कि उनकी आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई है और जो महंगाई बढ़ी है ये महंगाई से मुनाफा किसको पहुँचाया जा रहा है जब बैंक डूब रही हैं और बैंकों के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता था आज पहले 8% मिलता था, 8.5% भी मिल जाता था, आज तो 4 और 4.5% इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है। आखिरकार ये इंटरेस्ट जा कहाँ रहा है? बचत हो नहीं रही है, खर्चा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो कभी कभी ये लगता है कि बचाएं क्या और खाएं क्या, और नौकरी रोजगार है नहीं। और कम से कम कन्नौज के आप लोग हो, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि आपने कन्नौज को 4 साल में क्या दिया है? 4 साल में कौन सी नई चीज दी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? केवल झूठ, झूठ, नफरत और वही समाजवादियों के काम पर अपना नाम लगा देना। क्वेश्चन पे अपने चार बड़े काम नहीं बताया। ये कहना है कि आज सवाल उनसे किया था, कन्नौज में आए थे, उनका ये हमने उनसे सवाल किया था कि आपने बुलाई के पोस्टर में विकास कार्य दिखाए जा रहे हैं, वो आपकी सरकार के हैं, उनका ये कहना था कि जो शिलान्यास किया था उन्होंने पैसा नहीं दिया था उसका। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और प्रभारी मंत्रियों को आपका एक्सप्रेस वे अच्छा लगता है, इसीलिए इसी एक्सप्रेस वे से आते हैं और इसी एक्सप्रेस वे वापिस चले जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से सरकार अन्याय कर रही है, कोई नहीं बचा है, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सबको ये नफरत की नज़र से देख रहे हैं। पहले मुसलमान भाइयों के लिए क्या क्या कहते थे ये लोग, और अब किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। नौजवान जो अगर सरकार का विरोध कर दें तो जो गंभीर धाराएं दूसरों पे लगती हैं वो धाराएं लगाई जा रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर उद्घाटन करने पर, सरकार के विरोध करने पर, अपनी बात रखने पर अगर धाराएँ लगेंगी तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्घाटन भी किए हैं बड़े बड़े कार्यों के, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के बने हैं, तो इसका मतलब मुकदमा सरकार पे भी लगना चाहिए। सरकार अगर उद्घाटन कर रही है तो उस पर भी तो मुकदमा लगेगा, दूसरे के कामों का उद्घाटन कर रही है सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर आज कानून व्यवस्था, बस कानून व्यवस्था इतना ही है कि आप लोग बच के रहिए, क्योंकि किसी पे भी मुकदमा लग जाएगा, किसी पे धाराएं लग जाएंगी। और जो काम पुलिस को करना चाहिए कि हमारी बेटियों के वो बचाए जाए, जो जो इनके साथ उत्पीड़न हो रहा है उनका न्याय न हो उनके ऊपर, और ऐसा कम से कम व्यवहार और काम हो कि जनता प्रभावित हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसे काम करवा रही है, सबको डरा करके काम कर रही है। और जो मुख्य काम है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, ये भारतीय जनता पार्टी दोषी है, पुलिस कम दोषी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उनके नेता भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो चलवाना चाहते हैं पुलिस से।